किसान साथियों, आलू के खेती करके बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो आप पुरानी विधि को छोड़कर आधुनिक विधि को अपनाइए और आलू के खेती से आप बम्पर पैदावार ले सकते हैं। प्रति एकड़ से 400 बोरी आप पैदावार ले सकते हैं। किसान साथियों, आपको 40 से 50 दिनों पर क्या करना है आलू के खेतों में, किसान साथियों पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। किसान साथियों, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं राधेश्याम कुमार आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। किसान साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि खेती बाड़ी के संबंध में आधुनिक विधि से खेती करने की विधि यहाँ से मिलता रहेगा। किसान साथियों, चलिए जो आपको कार्य करना है 40 से 50 दिनों के अंदर में। किसान साथियों, जो पहला है यह खाद देना है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको लेना है 30 से 35 केजी प्रति एकड़ किसान साथियों, और उसके साथ सल्फर जो लेना है किसान साथियों 2.5 से 3 केजी लेना है किसान साथियों। और बात कर लेते हैं ह्यूमिक एसिड को जो कार्य है किसान साथियों, लेके आइए ना, जाइए ना, जमीन से पोषक तत्व लेकर पूरी जगहों में पूरी आलू के पौधे के अंदर फैला देना। उससे कंद बढ़ेगी, आलू के विकास होगा, पोषक तत्व मिलेगा तो आलू के विकास बढ़ेगी और पैदावार भी अधिक मिलेगा किसान साथियों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमने जो ये खाद यूज किए थे जिससे हमने 1 कट्ठा में ही पहले रिसर्च किया था कि उत्पादन इससे कितना मिलेगा, तो उससे 4.5 क्विंटल से 5 क्विंटल 1 कट्ठा में उत्पादन हमें मिला। तो बात कर लेते किसान साथियों, बहुत किसान साथियों इस समय सिंचाई करते समय गलती कर बैठते हैं। तो गलतियाँ कौन सी होती है किसान साथियों, सिंचाई करते समय आलू के खेतों में पूरी पानी भर देते हैं, ऐसा नहीं करना है किसान साथियों। लाइनी में जब आप आलू में सिंचाई करते हैं तो उस समय आपको हाफ हाफ ही पानी देना है किसान साथी। उसके बाद आपको एक स्प्रे जरूर करना है किसान साथियों, स्प्रे करना नहीं भूलना है। जो आपको स्प्रे के रूप में लेना है एक NPK 052-34, इसका डोज हम बता देते हैं प्रति एकड़ 1 केजी लेना है। और उसके साथ आपको एक दवा भी लेना है, जो बोरोन है उसका जो डोज है किसान साथियों 1 एकड़ में 250 ग्राम आपको स्प्रे करना है। स्प्रे जिस दिन करते हैं उस दिन आप दिन तारीख लिख लीजिए, उसके बाद आप 15 दिनों के बाद आप दूसरे का स्प्रे जरूर कीजिए और आलू के कमाल देखिए कि आलू आपका उत्पादन आधुनिक विधि से कितना होता है किसान साथियों। इससे आपको बेहतरीन आलू पैदावार होगा और ठंडी से भी बचाएगा किसान साथियों। और इसके बाद बात कर लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।